जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश टीम के बीच 3 मैचों के T20 सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला कल यानी 19 दिसंबर को माउंट मगू के बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा। लेकिन इस मैच को शुरू होने से पहले ही बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हसन संतो और न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मिचेल सेंटर ने अपनी खतरनाक पलिंग 11 का ऐलान कर दिया है। और अपनी पलिंग 11 में 3-3 ऐसे खतरनाक खिलाड़ी को शामिल किया है जिसके पलिंग 11 में शामिल हो जाने से दोनों टीमों का पलिंग 11 और भी काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले कि आखिरकार दोनों टीमों के कप्तानों ने कौन से 11 खिलाड़ी का नाम का ऐलान किया है और क्या रहने वाली दोनों टीमों के फाइनल पलिंग 11 दूसरे T20 मुकाबले के लिए। और साथ ही दोस्तों, ये भी बताने वाले कि मैच कब, कहां और कितने बजे कौन से स्टेडियम पर खेला जाएगा, हेड टू हेड रिकॉर्ड में किसका पारला भारी है, पिच रिपोर्ट और मैच प्रेडिक्शन से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले। तो दोस्तों, ऐसे में वीडियो रहने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड टीम के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में जब बांग्लादेश टीम ने न्यूजीलैंड टीम को 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 श्रृंखला में 1-0 की अजय भारत बनाने में कामयाब रही थी। अब आपको बता दें कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश टीम के बीच दूसरा T20 मुकाबला कल यानी 19 दिसंबर को माउंट मगू के बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर के 3:30 पर शुरू होगा। अब बात करें दो टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में कि आखिरकार हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन सी टीम का पड़ला भाई, तो इन दो टीमों के बीच अब तक T20 के इतिहास में टोटल 17 T20 मुकाबले खेले गए जिनमें से न्यूजीलैंड टीम को 14 T20 मुकाबले में जीत मिली, वहीं बांग्लादेश टीम को 3 T20 मुकाबले में जीत मिली है। ऐसे में देखा जाए तो न्यूजीलैंड टीम का पड़ला भारी लग रहा है। और यहाँ बात करें मैच प्रेडिक्शन के बारे में तो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से इस मैच को न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी। लेकिन दोस्तों, आपके अनुसार इस मैच कौन सी टीम जीतेगी, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जोर दें। वहीं दूसरी बात करें इस मैदान की पिच रिपोर्ट के बारे में तो इस मैदान पर अब तक टोटल 15 T20 मुकाबले खेले गए जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 11 T20 मुकाबले में जीत मिली है। वहीं दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम को सिर्फ 2 T20 मुकाबले में जीत मिली है। ऐसे में इस मैदान पर जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकता है क्योंकि इस मैदान में पहले इनिंग का मुकाबले दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा कठिन होता है जिसके चलते इस मैदान पर जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकता है। इस मैदान की फर्स्ट इनिंग की एवरेज स्कोर की बारे में बात करते 160 रन, दूसरे इनिंग की एवरेज स्कोर 136 रन। इस मैदान की हाईस्ट स्कोर की बारे में बात करते 243 रन है 5 विकेट के नुकसान पर जो न्यूजीलैंड टीम ने वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ बनाया था। इस मैदान की लोएस्ट स्कोर की बारे में बात करते 90 रन 10 विकेट के नुकसान पर जो वेस्ट इंडीज टीम ने न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ बनाया था। अब बात करें दो टीमों के पलिंग 11 के बारे में कि आखिरकार दो टीमों के कप्तानों ने कौन से 11 खिलाड़ियों का नाम का ऐलान किया, तो पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड टीम की पलिंग 11 के बारे में। तो न्यूजीलैंड टीम का पलिंग 11 कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। एज ओपनर नंबर 1 फिन एलन, नंबर 2 टीम सेफर्ट विकेट कीपर बल्लेबाज, जो दोनों खिलाड़ी न्यूजीलैंड टीम को से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। जबकि तीसरे नंबर की बात करें तो ड्रेल मिचेल एक बेहतरीन ऑलराउंडर बैट्समैन हमें खेलते हुए नजर आने वाले, जो भी टीम के लिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से काफी ज्यादा योगदान दे सकते हैं। ऐसे में ड्रेल मिचेल का प्रदर्शन हमें दूसरे T20 मुकाबले में शानदार देखने को मिलने वाली है। वो चौथे नंबर की बात करें तो ग्लेन फिलिप्स एक बेहतरीन ऑलराउंडर बैट्समैन हमें खेलते हुए नजर आने वाले, जो अपनी टीम के लिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से काफी ज्यादा योगदान दे सकते हैं। ऐसे में ग्लेन फिलिप्स का प्रदर्शन हमें दूसरे T20 मुकाबले में शानदार देखने को मिलने वाली है। पांचवें नंबर की बात करें तो मार्क चैंपियन एक बेहतरीन युवा बल्लेबाज हमें खेलते नजर आएंगे। वहीं छठे नंबर की बात करें तो जेम्स नीसम एक बेहतरीन मीडियम पेस बॉलर हमें खेलते नजर आने वाले, जो अपनी टीम के लिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से काफी ज्यादा योगदान दे सकते हैं। ऐसे में जेम्स नीसम का प्रदर्शन हमें दूसरे T20 मुकाबले में शानदार देखने को मिलने वाले। वहीं सातवें नंबर की बात करें तो मिचेल सेंटर कप्तान हमें खुद खेलते हुए नजर आने वाले, जो शानदार फॉर्म में भी चले। वहीं आठवें नंबर की बात करें तो एडम मिले एक बेहतरीन तेज गेंदबाज हमें खेलते हुए नजर आने वाले। नौवें नंबर की बात करें तो टीम सोती एक बेहतरीन तेज गेंदबाज हमें खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं दसवें नंबर की बात करें तो इस सोरी एक बेहतरीन लेग स्पिनर हमें खेलते हुए नजर आने वाले। वहीं ग्यारहवें नंबर की बात करें तो बेन सिसर्स हमें खेलते हुए नजर आने वाले। दोस्तों, ये रहे न्यूजीलैंड टीम की पलिंग 11 जो रहने वाले दूसरे T20 मुकाबले में। वहीं दूसरी तरफ बात करें बांग्लादेश टीम की पलिंग 11 के बारे में तो बांग्लादेश टीम का पलिंग 11 कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। एज ओपनर नंबर 1 नितिन दास विकेट कीपर बल्लेबाज, नंबर 2 रोहित तलुदकर, ये दोनों खिलाड़ी बांग्लादेश टीम को से पार की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले। जबकि तीसरे नंबर की बात करें तो नजमुल हसन संतो कप्तान हमें खुद खेलते हुए नजर आने वाले, जो शानदार फॉर्म में भी चल रहे। वहीं चौथे नंबर की बात करें तो सौम्य सरकार के बेहतरीन बल्लेबाज हमें खेलते हुए नजर आने वाले। वहीं पांचवें नंबर की बात करें तो दौड़ एक बेहतरीन उभरता हुआ बल्लेबाज हमें खेलते नजर आएंगे। और छठे नंबर की बात करें तो आफिफ हुसैन एक बेहतरीन ऑलराउंडर बैट्समैन हमें खेलते नजर आने वाले, जो अपनी टीम के लिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से काफी ज्यादा योगदान दे सकते हैं। ऐसे में आफिफ हुसैन का प्रदर्शन में दूसरे T20 मुकाबले में देखने लायक होगी। वहीं सातवें नंबर की बात करें तो मेहदी हसन हमें खेलते नजर आने वाले।
आठवें नंबर की बात करें तो तंजीम हसन साकिब एक बेहतरीन तेज गेंदबाज हमें खेलते हुए नजर आएंगे। वही नौवें नंबर की बात करें तो शरीफुल इस्लाम एक बेहतरीन तेज गेंदबाज हमें खेलते नजर आने वाले, जो पहले टी ट्वेंटी मुकाबले में शानदार गेंदबाजी किए थे। इसमें शरीफुल इस्लाम का प्रदर्शन दूसरे टी ट्वेंटी मुकाबले में शानदार देखने को मिलने वाली है। वही दसवें नंबर की बात करें तो इशाद हुसैन हमें खेलते नजर आने वाले। वही ग्यारहवें नंबर की बात करें तो मुस्तफिजुर्रहमान एक बेहतरीन तेज गेंदबाज हमें खेलते नजर आने वाले। दोस्तों ये रही दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो रहने वाले दूसरे टी ट्वेंटी मुकाबले पे। दोस्तों आप भी चाहते कि इसमें चाहिए शानदार प्रदर्शन करके मैच जीते तो इस वीडियो को जोर लाइक कीजिएगा, और साथ ही दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।